दरबारों में आते हैं, हमें ताने लगाए जाते हैं। अरे जवान, अगर तू सही नबी का उम्मती होता तो ताने नहीं देता। अगर तू नबी से होने से इनकार करता है फिर आते ही याद के अंदर सलामत भेजो, अस्सलाम वालेका या अय्युहन नबी, ए नबी हम तुझ पर सलाम भेजते हैं, मुझे बता तू किसका उम्मती है। अगर तू सच में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती होता तो ताना न देता। खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा चलो दो बात हो गए, अच्छा आगे बड़े बड़े चलते हैं। देखा कि एक बस्ती के अंदर आए और खिज्र अलैहिस्सलाम भी मूसा अलैहिस्सलाम आप बोलते मूसा अलैहिस्सलाम तीन चलते चलते बस्ती के अंदर पहुंचे और देखा कहे बस्ती वालों हमें रहने के लिए जगह दीजिए। सुभान अल्लाह हम दूर दराज से लोग आएंगे ना, अगर हमें रात होगी हम कहेंगे जगह दे दो। ऐसे भी मेरे नौजवान मुसलमान भाई बोले नहीं पता नहीं कहाँ से हम जगह नहीं देंगे। उस बात से हमें यह निस्बत मिलती है, यह नसीहत मिलती है। देखो चलते चलते दोनों खिज्र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती के अंदर पहुंचे। ए बस्ती वालों हमें रहने के लिए कोई जगह दीजिए। लेकिन बस्ती वालों ने कहा हाँ, कहा हमें खाने के लिए कोई रोटी दे दीजिए। कहा हमारे पास कोई नहीं मेहमानों के लिए जगह। लिहाजा सुनो, कहा आगे बढ़ते गए उसी मोहल्ले के अंदर उसी गांव के अंदर एक दीवार गिर रही थी। क्या एक दीवार गिर रही थी? क्या गिर रही थी? एक दीवार गिर रही थी। और खिज्र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को अल्लाह के हुक्म से उस दीवार को सीधा कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के औलिया जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी यही शान होती है, जिस चीज को इशारा करे वो चीज उसी तरफ आ जाती है। ये भी की बात दो है, तस्वीर देना ये भी क्या इंसान है। चांद में से दाग है, हम सब का नबी का चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह। नबी की बात हम किसकी बात करें? अल्लाह के वलियों की बात कर रहे हैं। नबी तो दूर है उनका।